नमस्कार दोस्तों, गैजेट शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों आगे जानेंगे 2000 रुपए से कम कीमत में एक बढ़िया सीपीयू के बारे में, जो आता है मेरे फेवरेट ब्रांड इंटेल से। इंटेल ब्रांड का यह i5 थर्ड जनरेशन तीसरा जनरेशन वाला सीपीयू मिलता है बस 1999 रुपए में। इस कीमत में यह एक बेहतरीन विकल्प है। सामान्य इस्तेमाल वाले सिस्टम के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। शुरुआत करते हैं जानने से इसके खास खूबियों एवं कार्य निष्पादन क्षमता को। इस सीपीयू में है 4 कोर और हर एक कोर प्रोसेस कर सकता है 1 थ्रेड, तो 4 कोर प्रोसेस कर पाएगा 4 थ्रेड। हर एक कोर का बेस क्लॉक स्पीड है 3.4 गीगाहर्ज, मैक्स क्लॉक स्पीड है 3.8 गीगाहर्ज, प्रोसेसर कैच है 6 MB। यह 64-बिट प्रोसेसर है। TDP यानी कि थर्मल डिजाइन पावर, यानी कि प्रोसेसर के द्वारा होने वाला पावर कंजम्पशन है 77 वाट। टी जंक्शन वह टेम्परेचर है जिसको क्रॉस करने के बाद कोई भी प्रोसेसर क्रैश कर जाता है, तो वह है 100 डिग्री सेल्सियस। AMD के प्रोसेसर का यह वैल्यू रहता है 105 डिग्री सेल्सियस। बस स्पीड है 5 गीगा ट्रांसफर पर सेकेंड। लिथोग्राफी है 22 nm। आजकल के लेटेस्ट प्रोसेसर में होते हैं 5 nm या फिर 7 nm का लिथोग्राफी। लिथोग्राफी नंबर जितना कम वह प्रोसेसर उतना बढ़िया। ऑनलाइन अमेजन से खरीदेंगे तो मिलेगी 7 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी। यह आउटडेटेड प्रोसेसर है, डिसकंटिन्यूड है, इस पे ब्रांड की तरफ से कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन आप ऐसे प्रोसेसर का बिना किसी शंका और संकोच का और बिना किसी भय का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास है एक सिस्टम जिसमें है इंटेल i3 540 प्रोसेसर, यानी इंटेल i3 फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर वेरिएंट 540। वह सिस्टम अभी भी बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों इंटेल ब्रांड का यह i5 थर्ड जनरेशन डेस्कटॉप प्रोसेसर आता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ। इसमें दिया गया इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है इंटेल HD ग्राफिक्स 2500, जिसका बेस क्लॉक स्पीड है 600 MHz, मैक्स क्लॉक स्पीड है 1.15 GHz। आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड में। जैसे ASUS ब्रांड का यह ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा 4390 रुपए में। यह 2GB वाला मॉडल है और इसमें दिया गया इंजन है NVIDIA का GeForce GT 730। अब आते हैं मेमोरी के बारे में। यह सीपीयू सपोर्ट करेगा टोटल रैम साइज 32 GB। रैम टाइप होगा DDR3। इसमें फिट नहीं होंगे DDR4 या फिर DDR5 वाले रैम। रैम का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए या तो 1333 या फिर 1600। रैम का मैक्स चैनल होना चाहिए 2। आपकी सहूलियत के लिए मैं बता देता हूँ कि DDR3 रैम मिलते हैं 4GB वाले 1290 रुपए में सैमसंग ब्रांड से। दोस्तों सिस्टम बिल्ड में सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है सीपीयू, सीपीयू के अनुसार चिपसेट, चिपसेट के अनुसार मदरबोर्ड, फिर बाकी की चीजें। सीपीयू अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, अगर वह है इंटेल i5 3570, तो यह सीपीयू सपोर्ट करता है ये सारे चिपसेट: Z77, U77, H77, Z75, Q75, B75 और H61। H61 वाले मदरबोर्ड मिल जाएंगे आपको गीगावाट्स ब्रांड से और जेब्रोनिक्स ब्रांड से। सॉकेट है 1155। तो जैसे कि मैंने कहा, पहले सीपीयू, फिर चिपसेट और उसके अनुसार मदरबोर्ड, फिर बाकी की चीजें। तो मदरबोर्ड के लिए आपके पास है 2 बेहतर ऑप्शन, दोनों बेहतरीन है। रेटिंग पे मत जाइए। मैंने इस्तेमाल किया है जेब्रोनिक्स ब्रांड के दूसरे मदरबोर्ड को, काफी लंबा टिकता है और हाई लोड कैपेसिटी में भी बढ़िया काम करता है। हाँ, क्वालिटी वैसी नहीं होगी जैसी गीगावाट्स की तरफ से आपको मिलेगा, इसीलिए प्राइस डिफरेंस भी है दोनों में। अब आ जाते हैं स्टोरेज पे। दोस्तों इस तरह के डेस्कटॉप प्रोसेसर बढ़िया परफॉर्मेंस तभी देंगे जब आप SSD मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे, और सबसे बढ़िया SSD आता है किंगस्टन ब्रांड का और सैमसंग ब्रांड का। ये 2 बेस्ट ब्रांड है SSD के लिए। SSD जब भी लें, इन दोनों ब्रांड में से कोई एक लें। मेरा फेवरेट है सैमसंग। मैं अपने सभी सिस्टम में सैमसंग की ही SSD इस्तेमाल करता हूं। और ये सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है 1TB, 500GB एंड 250GB। दोस्तों इंटेल i5 3570 सीपीयू एक बेहतरीन विकल्प है, एक शानदार प्रोसेसर है। इसमें दिए गए हैं 4 कोर। इस सीपीयू वाले सिस्टम पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, फिल्मोरा चल जाएगा उस पर बड़े आसानी से। क्या टॉप क्लास का परफॉर्मेंस मिलेगा? टॉप क्लास का तो नहीं मिलेगा, लेकिन सामान्य से थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस जरूर मिलेगा, क्योंकि इंटेल ब्रांड का i-कोर प्रोसेसर है यह। सामान्य इस्तेमाल की सभी चीजें चलेंगे। दोस्तों इंटेल ब्रांड के इस बेहतरीन सीपीयू को खरीदने का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आ जाए gadget.shiksha पर। वहाँ पर आप जान पाएंगे कि 1000 से 5000 रुपए के प्राइस रेंज में और कौन कौन से अच्छे इंटेल सीपीयू या फिर AMD सीपीयू उपलब्ध है भारतीय बाजार में, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों इंटेल ब्रांड के i5 थर्ड जनरेशन डेस्कटॉप प्रोसेसर का रिव्यू प्रेजेंटेशन अगर आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।